नमस्कार, मेरा नाम है राघव जैन और आपका स्वागत करता हूं आज शाम प्लस के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में। अनलॉक 5 के तहत आज क्या क्या खुलने वाला है इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। छठ दिवाली से पहले रेलवे का यात्रियों को तोहफा, पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। रिहाई के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्य नेताओं के साथ आज मीटिंग करेगी महबूबा मुफ्ती। हैदराबाद के बाद अब मुंबई और पुणे में आया सैलाब, सड़कें बनी दरिया, आज भी भारी बारिश की चेतावनी। कटरा में बनेगा देश का पहला बस पोर्ट, होटल मोबाइल चार्जिंग से लेकर वाईफाई तक की होगी सुविधा। दिल्ली वार्ता विफल, रेलवे ट्रैक खाली होंगे या नहीं आज फैसला करेंगे किसान। सियासत भी गरमाई, पंजाब में सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मिली मंजूरी, 1,00,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। किसान आंदोलन से रेलवे को 80 करोड़ का नुकसान, पंजाब में 700 मालगाड़ियां व यात्री ट्रेनों हुई प्रभावित। अफसरशाही व ठेकेदार प्रथा के खिलाफ यूनियन में रोष, कहा रेलवे के निजीकरण से बढ़ेगी बेरोजगारी। आतंक का जन्मदाता, खराब रिकॉर्ड, फिर भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया पाकिस्तान। कोरोना से उभरने के बाद सुपरमैन की तरह महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। संजय दत्त वापस लौटे मुंबई, मीडिया से कहा अभी बीमार नहीं हूं, ऐसा मत लिखना, वायरल हो रहा है वीडियो। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने फिल्म बंटी और बबली के लिए पूरी की डबिंग, अब रिलीज का इंतजार। अब नजर बड़ी खबर पर। कोरोना अनलॉक के पांचवें चरण में आज से कई तरह के कामों को नियमों और शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जाएगी। इनमें सिनेमा हॉल, धार्मिक समारोह के आयोजन को प्रमुखता से शामिल किया गया। इसके साथ साथ देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को भी खोला जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने सख्ती से गाइडलाइन पालन करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद इन कामों को महीनों के बाद खोलने की इजाजत दी जा रही। सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 22 मार्च को देश में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए। देश इस महीने की पहली तारीख को पांचवें चरण में प्रवेश कर गया। इसमें स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को यानी 15 अक्टूबर यानी आज खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।